नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज आवर ड्राइंग रूम, हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम क्या होता है? वो कमरा होता है जहाँ पर जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो हम सबसे पहले उन्हें कहाँ बिठाते हैं? ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। बच्चों, हमें हमारे ड्राइंग रूम को भी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए तो सबसे पहले उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाइए। तो चलिए अब हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी ड्राइंग रूम में होती हैं। बुक शेल्फ में बच्चों हम कुछ बुक्स रखते हैं। ये नहीं कि आपकी स्कूल की बुक्स होंगी इसमें, इसमें ऐसी बुक्स होती हैं जो कोई भी पढ़ सकता है, लाइक स्टोरी बुक्स और मैगजीन एसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज टेलीफोन। सबके ड्राइंग रूम में टेलीफोन होता है? नहीं, आजकल बहुत कम देखने को मिलता है टेलीफोन, क्योंकि सबके पास क्या है? मोबाइल फोन्स हैं। द नेक्स्ट वन इज एयर कंडीशनर, जिसे हम एसी कहते हैं। हमें ठंडी ठंडी हवा मिलती है किससे? एयर कंडीशनर से। लेकिन हमें एयर कंडीशनर का ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। अगर आप पूरा दिन एयर कंडीशनर के आगे बैठे रहेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, आपको कोल्ड हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज टेलीविज़न। सबके ड्राइंग रूम में टेलीविज़न होता है। आजकल टेलीविज़न कैसा होता है? जो वॉल पर लगा होता है, जिसे हम LCD कहते हैं या फिर स्मार्ट TV कहते हैं। नेक्स्ट वन सोफ़ा। सोफ़ा वो चेयर है, वो जगह है जहाँ पर मेहमान आकर बैठते हैं। सबके घरों में अलग अलग तरह के सोफ़ा होते हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं ड्राइंग रूम में? वास होता है जिसमें सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे होते हैं, फोटो फ्रेम, एक्वेरियम। एक्वेरियम में कौन रहता है? एक्वेरियम में बहुत सुंदर सुंदर फिश रहती हैं। द नेक्स्ट वन इज टेबल। सबके ड्राइंग रूम में टेबल होता है। टेबल कहाँ रखा होता है? जस्ट सोफा के आगे, जिस पर आप अपने मेहमानों के लिए खाने पीने की चीज़ों को सर्व करते हैं। द नेक्स्ट वन इज म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम से हम क्या करते हैं? अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। द नेक्स्ट वन इज चेयर। सोफा के साथ साथ ड्राइंग रूम में क्या रखी होती हैं? चेयर्स रखी होती हैं, क्योंकि सोफ़ा 5 सीटर, 7 सीटर या फिर मैक्सिमम 10 सीटर तक आता है। और अगर उससे ज़्यादा लोग आ जाए हमारे घर में तो हम क्या यूज़ करते हैं? चेयर का यूज़ करते हैं। नाउ द टाइम फॉर द आंसर टाइम। वेयर डू वी वेलकम आर गेस्ट? हम अपने गेस्ट का वेलकम कहाँ करते हैं? ड्राइंग रूम में। DRAWING, ड्राइंग रूम, ROOM। रूम विच टू थिंग्स वी कीप इन आर ड्राइंग रूम? अब आपको वो दो चीज़ों के नाम बताने हैं जो आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। मैं अपने ड्राइंग रूम में क्या रखती हूँ? मैं अपने ड्राइंग रूम में सोफ़ा रखती हूँ और म्यूज़िक सिस्टम। अगर आप इन दो चीज़ों के अलावा कोई चीज़ अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो आप उनका नाम लिख सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर मेमोरीज। ऑलवेज वेलकम योर गेस्ट इन योर ड्राइंग रूम एंड कीप इट क्लीन। हमेशा अपने मेहमानों का स्वागत ड्राइंग रूम में कीजिए और ड्राइंग रूम को बिल्कुल क्लीन रखिए।